नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ संजीव। पटना के गांधी मैदान में एनआरसी और सीए के खिलाफ महारैली में पहुंचे तमाम विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता। विपक्षी दल के नेताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा देश को बांटने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, आखिरकार देश में हिंदू मुस्लिम कब तक करेगी बीजेपी। दिल्ली में जारी हिंसा पर बिहार विधानसभा में माले के विधायकों ने जमकर किया प्रदर्शन। वहीं मुख्यमंत्री से इस पर जवाब मांगते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी आप चुप क्यों हैं, दिल्ली में हुई दंगे में बिहार के भी लोग मारे गए हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। बिहार विधानसभा का चौथा दिन था जहां सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही महागठबंधन के सभी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बताते चले, इन विधायकों की मांग है कि सरकार बेरोजगारी दूर करने, नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर अपना निर्णय सदन में बताए। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के एक चौकीदार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उस वीडियो में चौकीदार किसी पीड़ित पक्ष से केस करवाने और उस केस को ट्रू करवाने के लिए बड़ा बाबू का नाम लेते हुए पैसा की मांग करते हुए नजर आ रहा है। सिवान में एक डांसर स्टेज शो के दौरान खुलेआम रिवॉल्वर लहरा रही है और लोग उसका वीडियो बनाते रहे और डांसर कानून की धज्जिया उड़ाते हुए स्टेज पर हाथ में रिवॉल्वर दिखाते हुए डांस करती रही। भाग मनाइए, कोई अनहोनी नहीं हुई, यदि स्टेज पर गोली चल गई होती तो नजारा कुछ और ही होता। सहरसा जिले में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा चल रहे एनआरसी और सीए के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने राज्यसभा सांसद मनोज झा पहुंचे। उस दौरान मोदी और अमित शाह पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले आखिरकार कब तक अपनी राजनीति करेंगे। सहरसा जिले में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद पुलिस और पब्लिक के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना है। मौके पर पुलिस लाइन में रक्तदान का आयोजन भी किया गया। वहीं रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला अधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने किया। समस्तीपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पदभार ग्रहण करते ही सभी सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी दौरान काटी प्रखंड कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। शिशु शिक्षा समिति के अंतर्गत चलने वाले सरस्वती विद्या मंदिर के लगभग 250 शिक्षकों का प्रांतीय सम्मेलन सरस्वती शिशु मंदिर मुंगेर के सादीपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पिछले वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर स्कूलों में लागू करना है। 209 प्रधानाचार्य बंधु भग में यहाँ पढ़ाएंगे, 26 को पढ़ाएंगे वो, 26 को दो तीन अनौपचारिक सत्र के साथ, 27 को 9 बजे इसका उद्घाटन करेंगे अपने क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक। मुंगेर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए आरएसएस के प्रचारक रामदत्त चक्रधर ने कहा कि आचार्यों को शिक्षक नहीं बल्कि गुरु बनने की आवश्यकता है। आज शिक्षा ने हमें सुविधा संपन्न समृद्ध तो बनाया है लेकिन हमें शांति नहीं दी है। इस शांति को प्राप्त करने के लिए चरित्रवान होना आवश्यक है। इस प्रकार के प्रधानाचार्य सम्मेलन हर वर्ष होते हैं और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि प्रदेश के सब प्रधानाचार्य एक बार साल में एक बार मिलते हैं, ऐसा जो कुछ चलता है उसका आदान प्रदान होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज वन इलेवन के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।